नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है मेरी एक नई रेसिपी में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी हेल्दी गर्मियों की ठंडी ठंडी सी ड्रिंक, जो कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, हमने ले लिया है सत्तू और बहुत टेस्टी हेल्दी ड्रिंक बनने वाली है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करिए फ्रेंड्स। तो सत्तू के बाद में हमने ले लिया उसमें डालने के लिए कुछ चीज़ें, जैसे कि हरी धनिया, प्याज, पुदीना के पत्ते और एक हरी मिर्च है, और नींबू और खीरा। खीरे को, ये आधा खीरा है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है और धनिया के पत्तों को भी काट लिया है। तो सबसे पहले ना हम इसके लिए एक चटनी बना लेंगे। ये देखिए, तो कुछ पुदीने के पत्ते ले लेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लेंगे। उससे ये होगा ना, इसमें बढ़िया सा चटपटा तीखा सा टेस्ट आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा पीने में। ये देखिए, और कुछ ना हरी धनिया के पत्ते इसमें डाल लेंगे। और फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी हेल्दी सा बन के तैयार होता है सत्तू का शरबत और पीने में बहुत टेस्टी लगता है। तो गर्मियों में तो सभी बच्चे बड़े सभी लोग पी सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर से बनाइएगा। और ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके ना इसका हम बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, पुदीना, धनिया और मिर्च, इसमें बाकी कुछ भी नहीं डाला हमने अभी, बस इन्हीं को पीस लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, बढ़िया से पीस गया है ना, कितना अच्छा सा कलर भी आ गया इसका। तो बस ऐसे ही हमें इसको तैयार कर लेना है। तो ये ले लेते हैं अपने सत्तू को। ये देखिए, मैं दो गिलास बनाऊंगी, एक अपने लिए एक अपनी बेटी के लिए। आप लोग अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो सामग्री की मात्रा है ना, आप थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए। तो इसमें डाल देंगे सबसे पहले नमक, ये सादा वाला नमक है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, आधी चम्मच मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ में डाल देंगे आधी चम्मच से थोड़ा कम काला नमक। काला नमक डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, तो काला नमक ज़रूर से डालिएगा। और इसके बाद में डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। अगर भुने हुए जीरे का पाउडर आपके पास नहीं है तो चाट मसाला है अगर, तो आधी चम्मच वो डाल सकते हैं। मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है इसमें। और जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना, पुदीना, हरी धनिया और मिर्च का, वो डाल देंगे इसमें। देखिए, और अभी ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और यकीन मानिए, बहुत टेस्टी ड्रिंक बन के तैयार होती है। और गर्मियों में अगर आप एक गिलास पी लेंगे ना, तो समझिए आपको 2-3 घंटे तो भूख भी नहीं लगने वाली है और बिल्कुल फ्रेश सा फील होगा। तो आप ज़रूर बना के पीजिए इस गर्मी में। और सत्तू भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर नहीं मार्केट से आप लेना चाहते हैं तो घर पे भी बना सकते हैं। ये देखिए, बढ़िया अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, एक भी गुठलियाँ नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स इसमें। ये देखिए, और ये शरबत ना जितना ठंडा ठंडा होता है ना, तो उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए ठंडे पानी को ही मैंने डाला है इसमें और बढ़िया से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल भी गुठली नहीं है ना इसमें, बस ऐसा ही हमें मिक्स करना है इसको। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी, आपको जितना पतला या गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला हमने नहीं किया है। तो ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे बाकी की चीज़ें अपनी। तो हमने बारीक काट के प्याज लिया था, वो प्याज डाल दिया है, और धनिया के पत्ते, और खीरा जो हमने कद्दूकस करके लिया था, और जो बाकी बची हुई मिर्च थी वो डाल दिया है। और साथ ही में डाल देंगे ये आधा नींबू हमने लिया था, नींबू को निचोड़ देंगे, नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट इसका हो जाता है, तो नींबू ज़रूर से डालिए फ्रेंड्स। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है सभी चीज़ों को। तो इन गर्मियों में आप ही पिए, आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो आप उसको भी बना के दीजिए, सब लोग बहुत मज़े से पियेंगे, टेस्टी हेल्दी ड्रिंक है ये फ्रेंड्स। तो इस गर्मी तो पीना बनता ही है, तो ज़रूर से बनाइए आप लोग। और मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको, और ग्लास में हमने आइस क्यूब डाल दिया है, और उसके बाद में इसको ग्लास में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है ना, बस ये पीने में भी उतना ही टेस्टी है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिए फ्रेंड्स इसको, और इसको प्याज और जो भी चीज़ें हमारी बची हैं उनसे गार्निश कर देंगे अच्छे से। तो थोड़ा सा प्याज था वो डाल दिया, और हरी मिर्च डाल दी ऊपर से, और थोड़े से पुदीने के पत्ते, ये देखिए, और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती है, बढ़िया से डाल दिया है अच्छे से।
और इसको और चिल्ड करने के लिए ना एक एक आइस क्यूब और डाल देंगे इसमें, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही पसंद है मुझे और मेरी बेटी को, बिल्कुल चिल्ड ही ड्रिंक अच्छी लगती है। तो बस मैंने डाल दिया, आप ज़्यादा ठंडा नहीं चाहते तो आइस क्यूब एक एक ही डालिए। ये देखिए बनके तैयार हो गई हमारी टेस्टी सी हेल्दी सी ड्रिंक। और ये सत्तू की ड्रिंक गर्मियों में बहुत हेल्दी होती है, तो ज़रूर से पीना चाहिए फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और प्लीज़ सपोर्ट भी करिएगा। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ये भी बताइएगा फ्रेंड्स। तो बस फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।